The longest running campaign on television has now turned 10. We launched the 10th season of Banega Swasth India in Mumbai with our campaign ambassador Ayushmann Khurrana. And now we're being joined by Mr. Sukhvinder Singh Sukhu, the Chief Minister of Himachal Pradesh. So many thanks for speaking to NDTV. Now, talking about Himachal Pradesh, I mean, the state has recently witnessed a really bad bout of flash floods and landslides. Now, these events are really a stark reminder that addressing climate change is one of the biggest challenges and a priority. Himachal is, affected by climate change and its impact severely. What are your observations? जो हिमाचल की जो आपदा है उसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा महत्व देखने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे स्थान थे जहां बारिश ही नहीं होती, जैसे लाहौल स्पीति है, वो ले की तरह उसका एटमॉस्फेयर है, वहां इस बार बारिश हुई और कई स्थानों पर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ऐसे लग रहा था कि आज ही काफी तेज बारिश से काफी घर बह जाएंगे। तो अत्यधिक बारिश जो इतने सालों बाद हुई है उसका डेट वाइज डेट है, जिन डेटों में ये अत्यधिक बारिश हुई है तो 300% ज्यादा हुई है, उसके अनुसार ये लैंडस्लाइड्स हुआ और काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को इससे हुआ है। Absolutely, sir. When excessive rainfall actually takes place in areas where rainfall, never did take place, waterborne diseases also increase. But what can the government, do you think, do to actually tackle these waterborne diseases? What has been your experience in Himachal Pradesh? देखिए, वाटरबोर्न डिजीज जो है वो तो नहीं होने देंगे हम, क्योंकि पानी जो है हमारा नल के द्वारा है, सब जगह जो है नल के द्वारा जल है, तो उसकी जो सोर्सेज है और उसकी जो स्टोरेज है उसकी हम एवरी डे हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पानी का सैंपल लेते हैं, सैंपल के आधार पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज है, और बरसात के समय इसमें हम स्पेशली ध्यान रख रहे हैं। That's right, but talking about the larger picture, what is your vision for achieving, a Swasth Bharat, and what do you think are the key issues that your government intends to prioritize when it comes to shaping the healthcare agenda for Himachal Pradesh? एक बड़ी विचित्र बात यह है कि कैंसर के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। ICMR की रिसर्च टीम के अनुसार भी, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ कैंसर के प्रतिशत की संख्या नेशनल एवरेज 0.6 से बढ़कर 2.2 हिमाचल प्रदेश में। तो रिसर्च इस बात की करने की जरूरत है कि क्यों ये कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। हम इस मामले में अभी पूरे अपने हिमाचल के जितने भी लोग हैं, हम उनकी एक हेल्थ ID बना रहे हैं और उस दिशा में हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। 22,40,000 लोगों की हमने हेल्थ ID बना ली है और अगले 2-3 महीने में टोटल जो हमारी 75 लाख की पॉपुलेशन की हेल्थ ID मिल जाएगी। एक ही क्लिक से सारी हेल्थ कार्ड उनको मिल जाएगा, उनके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, किस डॉक्टर ने देखा है, जो हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड अभी हम 3-4 महीने में उस एरिया को कंप्लीट कर लेंगे। That's very well said, sir. But my final question to you, what's your message on the occasion of the launch of the 10th season of Banega Swasth India? We've been committed to the cause of cleanliness and health for the past many years now. नहीं, निश्चित तौर पर बरसात में हमें जो पानी है, वाटरबॉर्न से ही काफी डिजीज होती है, तो हमेशा पानी उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि उबाल कर पीने से एक तो जो बैक्टीरिया वो पानी के मर जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है। खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब खान पान में जो चीजें हैं, बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो पिज्जा, जो जिसमें फैट ज्यादा होते हैं, सब लोग उसको ज्यादा खाते हैं, तो स्वभाव में भी परिवर्तन आया है थोड़ा सा, और कोरोना के बाद समाज में भी परिवर्तन आया। लोग भी खुद अपने आप को जागरूक करने लगे, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहने लगे, जिसकी पहले कमी थी, लेकिन अब इस मामले में थोड़ा सा वो खर्च भी करने लगे हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक भी रहने लगे हैं। ये अच्छी बात है देश के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए। Absolutely, Mr. Sukhvinder Singh Sukhu, thanks so much for joining us.